लाइफ मानी है अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक पाउडर बर्फी जो कि बहुत क्विक है और बहुत ही मजे की बनती है, 2.5 कप के करीब मैंने इसके लिए मिल्क पाउडर ले लिया है। इसके बाद हमें चाहिए 2 टेबलस्पून पिस्ताशियो, उसको आप रफली काट लें। बादाम है 2 टेबलस्पून, अपनी मर्जी से आप डाल सकते हैं। 1.5 कप के करीब हमें चाहिए होगा शुगर, जितना आप मिल्क पाउडर लेंगे उतनी ही आप शुगर लेंगे। 4 to 5 टेबलस्पून हमें घी चाहिए होगा, 1 कप हमें चाहिए होगा मिल्क और 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा इलायची पाउडर। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मजे की, जिस तरह से हम बाहर से लेते हैं सेम वैसे ही बनती है। आप लोग उसको ट्राई करें, होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले आपने घी मेल्ट करके उसमें इलायची थोड़ा सा उसको पका लेना है, देन आपने उसमें दूध ऐड कर देना है। दूध जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसमें आपने शुगर ऐड कर देनी है। लो टू मीडियम पे हम इसको पका रहे हैं, इलायची पाउडर चला जाएगा इसके अंदर। जब बॉयल आने लगेगा दूध में, देन आपने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देना है और आपने इसको जल्दी जल्दी से अच्छे से मिक्स करते रहना है। लो टू मीडियम पे हमने इसको अच्छे से पकाते रहना है। और एक ट्रे ले लेंगे हम, जिसमें हमने बाद में बर्फी को निकालना है, उसमें आप थोड़ा सा घी लगा लें ताकि बर्फी जो है वो अच्छे से उसके पीस हम काट कर उसको निकालने में आसानी हो। और अब आपने लो टू मीडियम पे इसको तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए मैंने इसको भूनती रही हूँ। कंटिन्यूसली आपने इसमें स्पून चलाते रहना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें बहुत सी अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। जब ये हो जाएगा देन आपने इसको ट्रे जिसमें घी लगा हुआ था उसमें निकाल लेना है। ये देख लें इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, खूबसूरत सा कलर आ गया है। फिर आपने इसको फैला लेना है और ऊपर नट्स डाल देने हैं, बादाम लंबाई में कटे हुए और पिस्ते खूबसूरत लगते हैं, ये आप काट कर वो ऐड कर दें इसके ऊपर। इस तरह से थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर दें ताकि वो उतरे नहीं, अच्छे से इसके अंदर चिपक जाए। और इसको 1 से 2 घंटे आप रूम टेम्परेचर पर रखें और फिर आप इसको काट लें और हमारी जो है फिर यम्मी सी जो है बर्फी रेडी हो जाएगी। बहुत ईजी है, देखिए फ्रेंड्स थोड़ी हार्ड हो गई है ये, तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटा रखा है मैंने। फिर आप अपने शेप जो भी आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको काट सकते हैं। अभी ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, आप इसको 2 से 3 घंटे रखेंगे तो ये बिल्कुल आराम से इसके इजीली पीस इसके निकल आएंगे बाहर। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको शेप दे लें, बहुत मजे की बनती है, बहुत झटपट से बन जाती है। आप लोग इसको ट्राई करें, एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। विंटर्स आ रहे हैं, चाय के साथ सर्व करें गेस्ट के लिए। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।